Hi everyone. So today is a question from the Molecular Biology Unit, and this question asked in CSR like June 2020. And the question is, which of the following RNAs possesses the peptidyl transferase equivalent? अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा आरएनए मॉलिक्यूल पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को पोजेस करता है। रिसेंटली जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज एंजाइम विच फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड। So peptidyl transferase is what? Peptidyl transferase is primary enzyme which form peptide bond between two amino acids. Basically क्या करता है? Two amino acids के बीच में क्या बनाता है? ये peptide bond की formation करता है. And अगर हम देखें in prokaryotes and in eukaryotes, अब हम दोनों में देखेंगे कि किस RNA molecule के पास ये activity present होती है. In prokaryotes 23S component of 50S subunit contain peptidyl transferase activity. So in prokaryotes में basically क्या होता है, 23S component of किस यूनिट का है, ये 50S सबयूनिट का, ये क्या कंटेन करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को कंटेन करता है. एंड इन द यूकेरियोट्स 28S कंपोनेंट ऑफ 60S सबयूनिट कंटेन पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी. अभी हमने देखा प्रोकैरियोट्स में बेसिकली किसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, 23S कंपोनेंट ऑफ 50S सबयूनिट. एंड यूकेरियोट्स में किसके पास होते हैं, 28S कंपोनेंट ऑफ 60S सबयूनिट. अब ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इज टीआरएनए, सेकंड वन इज 5S आरएनए, थर्ड वन इज 60S आरएनए एंड द फोर्थ वन इज 23S आरएनए. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 23S आरएनए.